हमें उम्मीद है कि इस हाउस की वसादत से जम्मू कश्मीर के लोगों की जो दुख दर्द है और खामोशी है वो टूटेगी और ये हाउस आवाम की आवाज बन के उबर आएगा। शुक्रिया। हो रहा है प्लीज अंदर। उम्मीद करते हैं कि जो गवर्नमेंट ने उमर साहब ने जो लोगों के साथ वादे किए हैं, सियासी वादे, डेवलपमेंट के वादे, वो सारे वादे पूरे। करना आज तो स्पीकर साहब का चुनाव होगा, उसके बाद जो है गवर्नर साहब का एड्रेस होगा, वो एड्रेस पे पता चलेगा क्या होगा। सर, डिड यू एक्सपेक्ट एनी सॉर्ट ऑफ? देखिए, एक्सपेक्ट क्या, वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रॉमिस है ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट, जो ही इलेक्शन करेंगे उसके बाद स्टेट होगा। आज एलजी साहब का ये एड्रेस है, लोकपाल लोकपाल घोषी वास। शायद अगर हम गिनना शुरू करें तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। मैं अपनी जगह याद कर रहा था कि बाबा कौम श्री कृष्ण शेख महदुद्दा से लेके अभी तक मां सिवाय एक छोटा सा अरसा जिसमें के शायद महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ आपको हाउस में रहने का मौका नहीं मिला है चीफ मिनिस्टर, बाकी तमाम चीफ मिनिस्टरों संभाली है आपने। गवर्नमेंट में रहते, ऑपोजिशन में रहते आपने हाउस की शान बढ़ाई है। अब आप इस हाउस के कस्टोडियन बन चुके हैं। तहरीर की गई कि एडवोकेट अब्दुल्लाह गलाथर साहब, मेंबर कानूनसाज असेंबली और जम्मू कश्मीर कानूनसाज असेंबली का स्पीकर मुंतखब किया जाए।